एक मिनट एक मिनट, आई एम अभिषेक बजाज सर, आइए बैठो, साइड हो जाओ, सदा पीछे हो, सदा पीछे हो, पीछे सदा पीछे और पीछे आगे 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 वापस में ये एडिट करते हैं। हां 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 हां, एक मिनट, या रोलिंग। Hello everyone, I'm Abhishek Bajaj and I'm playing Superstar AG in my next project, Jubilee Talkies, which premieres on Sony from 24th June. Every Monday and Friday, Monday to Friday, 8 PM. चलिए और बात करते हैं शो के बारे में। सर यहाँ पे देखिए, थैंक यू। जुबली टॉकीज, आई रियली लाइक द टाइटल बिकॉज इट्स वेरी अनकन्वेंशनल। आपको बाकी टेलीविजन शोज पे आप देखोगे तो अलग तरीके के नाम होते हैं, बट दिस इज़ वेरी अप मार्केट, वेरी वेरी डिफरेंट। आई लव द टाइटल एंड इट डिस्क्राइब्स द होल जर्नी ऑफ द शो। इट्स एन इंटेंस लव स्टोरी ऑफ अ सुपर स्टार एंड अ कॉमन गर्ल एंड हाउ द टू डिफरेंट वर्ल्ड्स कम्स टुगेदर, कैसे एक साथ आते हैं और क्या वो आपस में उनको प्यार होगा नहीं होगा। It's very intriguing also, and yeah. I think Jubilee Talkies is you know, one of the most unseen shows we'll have, very unprecedented. मैंने जब नाम सुना था, जब सौरभ सर ने बताया था, तब तो नाम कुछ और था, तब मुझे मेरी फिल्म की याद आ गई थी। देन वी स्विच टू जुबली टॉकीज एंड जुबली इज़ वन टर्म जिससे कि ऑडियंसेस बहुत कनेक्ट करेंगी बिकॉज ऑफ जुबली, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एंड दैट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड जुबली। एंड आई थिंक बहुत ही नई फ्रेश पैशनेट लव स्टोरी है विच इज़ बॉलीवुड बेस्ड, और हम बहुत कम शोज़ ऐसे देखते हैं कि जो बॉलीवुड बेस्ड हो, जिसमें बहुत सारा बहुत सारी रंजिशें भी हो, मोहब्बत भी हो, शिद्दत भी हो, प्यार भी हो। एंड आई थिंक आई एम सो प्राउड वी आर कमिंग अप विद दिस कॉन्सेप्ट। जी यही केमिस्ट्री होने वाली है। तो इस शिवांगी, माय कैरेक्टर, शी इज़ अ सिंपल गर्ल फ्रॉम फल्टन, स्मॉल टाउन लड़की है, फिल्मी डायलॉग्स मारती है बहुत, उसमें छोटे परिवार से है, उसके बाबा का संगम सिनेमा था जो अब उससे छीन लिया गया है, एंड दैट्स व्हेन शी एंटर्स इनटू अयान ग्रोवर्स लाइफ, द रणबीर कपूर सलमान खान ऑफ हर लाइफ, उसके सिनेमा के भगवान है वो। एंड इट्स अ वेरी अनरियलिस्टिक सिचुएशन कि एक सिंपल सी लड़की इज़ एंटरिंग अ सुपर स्टार्स लाइफ। सो एक तरह से देखा जाए तो शी ऑल्सो अर्जेस यू टू ड्रीम, यू नो, कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, कैसे भी हालात हो, एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि जब आप उस सिचुएशन में आए जहाँ पे आप अपने सुपरस्टार से रूबरू होंगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इनिशियली, देयर विल बी अ लॉट ऑफ, शी विल बी वेरी ऑस्ट्रक, और पूरा मैं आपको बताने नहीं वाली, वरना 8 बजे कौन देखने आएगा। See, if you look at my career, I started with Student of the Year 2. So I played a character called, I was playing a student role. Then I did Chandigarh Kare Aashiqui, I was playing CrossFit champion. Then I did Bubbly Bouncer, I was playing software engineer. Then in my latest series, Namakool, I was playing a Chakku Pandey, who was a rowdy, desi guy, different accent. So I was looking forward to some different character. When I came across Jubilee Talkies and when they narrated me the whole story, it really excited me because it was very different, it was very unconventional. It was a love story of a superstar and common girl which was very unseen. And the way they were shooting, when I spoke to Saurabh Bhai, and he was very, he narrated me so nicely, they sounded so creatively sound. So it just happened to me because I crave for different characters. And if you look at it, I have never repeated any character before. So
मेरा जो मन था कि यार डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करूँ मैं, तो वो मुझे सुपरस्टार आयान ग्रोवर में मिला. बिकॉज आयान ग्रोवर इज अ सुपरस्टार बट इट हैज़ ए डिफरेंट डायमेंशन ऑल्सो. इट हैज़ अ डिफरेंट डायनामिक रिलेशंस विद द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द शोज. सो पीपल हैव सीन अ लॉट ऑफ सुपरस्टार ऑन स्क्रीन, बट हाउ दे बिहेव ऑफ स्क्रीन, हाउ दे आर इन देयर पर्सनल लाइफ, हाउ कॉम्प्लेक्स देयर लाइफ कैन बी, दैट वॉज रियली एक्साइटेड मी. जी वेरी नाइस कोड लैंग्वेज आई मस्ट एडमिट यार. लेकिन ऑनेस्टली आई हैव बीन वेरी ट्रू टू माई वर्क. और अगर आप शिवांगी का रोल देखेंगे तो उसमें ना एक सादगी है बहुत, और वो सादगी ही उसे खूबसूरत बनाती है. एंड हर किसी की कहानी में लव स्टोरी भी अलग होती है और लव स्टोरी के किरदार भी चेंज होते हैं और विलन्स भी चेंज होते हैं. लेकिन इसी से तो आपको नई कहानी मिलती है, अदरवाइज आपको नई कहानी मिलेगी कैसे. एंड किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत और मोहब्बत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपको मिलाने की साजिश करती है. सो seeing this, if you see from Shivangi's perspective, I think she is bringing you to an entire whole new world from a third world, from a third person perspective. Ki jaise ki Abhishek ne bhi bola ki people don't know about how it works in the film industry, uske piche ki cheeze, aur especially for a common girl bilkul bhi nahi. Aur jahan tak baat rahi shohrat paane ki, to yaar I'm 100% sure that people have loved me in the other shows of mine as well. और आप लोग ने मुझे जो भी ये सुन रहे हैं, आप लोगों ने मुझे थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार दिया है. और इसमें भी मैंने और अभिषेक ने बहुत बहुत मेहनत झोंकी है टू मेक ए जी कम अलाइव, टू मेक शिवांगी कम अलाइव, एंड टू मेक दैट केमिस्ट्री लुक फ्रेश एंड वेरी समथिंग दैट इज़ नॉट सीन बिफोर. तो आई जस्ट होप कि मेरी मेहनत रंग लाए, दैट्स ऑल आई कैन से. फैंस से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए ये हर किसी के, हर फैन के साथ होता है, उनका दिल किसी के साथ जुड़ जाता है तो जुड़ जाता है. बट नए किरदार आते हैं, नई कहानियाँ आती हैं, नए लोग जुड़ते हैं, नया प्यार मिलता है और नए फैंस बनते हैं. जो पुराने होते हैं वो आपके बन जाते हैं, जो जिन्होंने आपको पहले नहीं देखा था वो आपके साथ जुड़ जाते हैं. तो ये सिलसिला चलता रहता है और फैंस बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं. एक्चुअली वो किरदार से इतना जुड़ जाते हैं कि वो किसी और के साथ देखना नहीं चाहते. करेक्ट करेक्ट, वेरी इमोशनली इन्वॉल्व है. तो वो एक प्यार ही है जो, बट हमारे शो में भी प्यार है. तो वो जो प्यार है, सबका कनेक्शन सेम होता है, तो वो जुड़ेंगे जरूर. Both are waiting for each other to answer. देखो मैं मुझे ट्रॉय का हिंदी अडैप्टेशन करना है संजय लीला बंसाली जी के साथ. अब हीरोइन कोई भी हो मुझे चलेगा. I would love to work with opposite शाहरुख सर and रणवीर सिंह. And वैसे तो खैर it doesn't matter whom you're working with. What matters is the storyline और आपका क्या रोल है उसमें, आपकी क्या कहानी है. But yeah, these are some of the roles and maybe we can even recreate Titanic at some point of time Bollywood mein. So yeah. ये कहानी बॉम्बे की है. ये कहानी तो बॉम्बे में ही हो रही है, पूरा हमारा बेस है बॉम्बे है, इंडस्ट्री बॉम्बे की है. अगर वो कनेक्ट भी करे तो कोई बात नहीं. देखो मेरी तो बॉम्बे टॉकी, इससे मेरी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है. और
जुबली और बॉम्बे, हाँ इट्स एक्चुअली इंटरचेंजेबल है तो फाइनली टॉकीज ही ना, इट्स ऑल अबाउट सिंगल स्क्रीन सिनेमा, सिनेमा थिएटर, एक्टिंग, एवरीथिंग. तो हाँ दोनों चीज़ें आपको फिल्मों की दुनिया में लेके जाती हैं. मुझे अक्षय कुमार सर से के साथ काम करना है. आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद हिम. आई गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू मीट हिम बट आई डिडंट मीट हिम बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम. आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम. आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद, आई मीन एक्टर्स का तो मैंने आपको बताया, शाहरुख सर, रणवीर सिंह, एंड आई इवन रियली एडमायर प्रियंका एंड दीपिका. एंड इन मेकर्स आई थिंक आई रियली वॉन्ट टू वर्क अगेन विद जोया मैम. This time not in Bombay Talkies, this time in something different. I mean, वैसे तो बहुत aspirations है यार. आपने अभी तक हमें इतना टाइम, इतना प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए. और जो हमारा शो है जुबली टॉकीज, शिवांगी और सुपरस्टार आयान को देखिए, उनकी लव स्टोरी को देखिए. एक इंटेंस लव स्टोरी है जो आपने आज तक नहीं देखी होगी टेलीविजन पे. और अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए कि हमारा शो आ रहा है जुबली टॉकीज सोनी पे. एंड टू ऑल माय लवली लवली फैंस, जैसे आपने मुझे बाकी रोल्स में इतना पसंद किया है, एज चिक्की, एज फुटलू, एज एवरीथिंग इन आशिकाना एंड दिल धड़कने दो एंड एवरीथिंग, दिस इज़ समथिंग, जुबली टॉकीज इज़ समथिंग दैट वी आर मेकिंग विद, इट्स लाइक आर बेबी, यू नो. पूरी मेहनत और शिद्दत से बना रहे हैं. बहुत अलग स्टोरी है जो हमारे सुपरस्टार अयान ग्रोवर है. आई मीन टॉकिंग अबाउट व्हाट वी हैव डन ऑन द सेट, ही इज़ ऑलवेज ट्राई टू स्टिक इन टू द कैरेक्टर इवन वाइल वी आर नॉट शूटिंग. और जो शिवांगी का कैरेक्टर है, बहुत ही सिंपल, बहुत सादगी वाला, येट वेरी स्ट्रॉन्ग और हाई स्पिरिटेड. तो ये दोनों की जो लव स्टोरी है, ये बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट होने वाली है. वी हैव असावरी मैम ऑन बोर्ड, वी हैव संजय नार्वेकर सर, एंड ये आई थिंक आफ्टर ईयर्स आप ये स्टोरी देखने वाले हैं, विच इज़ सो पैशनेट, इंटेंस, बेस्ड ऑन बॉलीवुड एंड हैविंग एवरीथिंग. हर चीज़ का एक पैकेज है ये. एंड आप लोगों ने ट्रेलर्स और पोस्टर्स को इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना ज़्यादा पीपल विल लाइक इट. बट आई होप 24 जून से यू गेट हुक टू आवर शो. 24 जून इट इज़ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर. थैंक यू.